वेलकम टू माय चैनल प्रतिभा उपाध्याय ब्लॉग में आप लोग कैसे हो। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, तो मैं भी ठीक हूँ। और आज के ब्लॉग में मैं अपने नाना जी के बारे में बात करने वाली हूँ। और नाना जी का जो मेरे साथ बचपन में जो भी यादें हैं, जो भी मुझे याद है, थोड़ा बहुत मैं आप सबको शेयर करूँगी। उनकी बहुत ही याद आती है, उनका प्यार, उनका जो भी था हम लोगों के ऊपर, बहुत ही हम लोगों का उनके ऊपर जो भी एहसान है, शायद वो मैं नहीं कर सकती पूरा। और मैं दिल से यही भगवान से मनाऊंगी कि जहाँ भी होंगे अच्छे हों और एक अच्छा जन्म पाए। बहुत ही अच्छे सीधे साधे थे और स्थितियाँ बहुत डिफिकल्ट थी, हमने बचपन जो देखा है। और बहुत ही सच कहो तो गरीबी थी। मेरे नाना जी बुज़ुर्ग थे, जो उनका कोई सहारा नहीं था। और उस टाइम हमें वो उतना प्यार दिए। और जब हम लोग का कोई प्यार देने वाला नहीं था, कोई अपना नहीं था, तो उन्होंने अपना प्यार दिया। और शायद आज भी वो चीज़ हमें याद है। वो बचपन में हमें जो भी कुछ रहता था खिलाते थे, तो बस यही कहते थे कि बचिया कहते थे, बचिया ये खा लो, तुम्हें ये फ़ायदा करेगा। बहुत सी ऐसी यादें हैं, बच्चियाँ एक खा लो ये फ़ायदा करेगा। हमें ये भी याद है जब वो गन्ने का ऊख रहता था, जब कहीं से लाते थे तो उसको छील कर काट कर देते थे कि बच्चिया ये खाओगी तो तुम्हारे दांत मजबूत होंगे, बहुत ही मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे। और मुझे याद है कि हम जब मेरी मम्मी भी थी ना, तो दो बहन थे हम लोग, और परेशान हो जाते थे मम्मी तो स्कूल पढ़ाने जाती थी। और तब हम ननिहाल ही रहते थे नाना जी के यहाँ। नाना जी हमें कभी बीमार हो जाते थे तो मम्मी कहाँ जाएंगी, तो नाना जी हमें कंधे पे लेके जाते थे दवा के लिए। और पैदल जाते थे, 2 रुपया बचाने के लिए और पैदल जाते थे कि 2 रुपया बचा रहेगा तो बच्चिया को चूस टाफी ले लेंगे। आज भी वो चीज़ मुझे याद है। पहले मैं देखती थी तो नाना जी से बोलती थी कि नाना जी आप क्यों पैदल जा रहे हो, गाड़ी से चलो। आज मुझे वो दिन याद है और उनकी बहुत याद आती है। और बहुत कुछ ऐसी बातें हैं ना, कैमरे के सामने आंखों में आंसू आ जाते हैं। शायद आगे तक मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी, थोड़ी सी याद आया तो आप लोगों को शेयर कर दी। ओके